कहते हैं नारी कोमल है लेकिन कमजोर नहीं, जिसके चलते जीवन के हर क्षेत्र में आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में रेवाड़ी के गांव खलीलपुर की रहने वाली दो बेटियों की मां 32 वर्षीय शर्मिला ने हाल ही में चल रही हरियाणा रोडवेज की हड़ताल के मद्देनजर हरियाणा परिवहन प्राधिकरण की अगुवाही में हरियाणा रोडवेज में बतौर पहली महिला परिचालक के रूप में रोडवेज की कमान संभाली। ये न केवल रेवाड़ी के लिए बल्कि प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। शर्मिला ने पहले ही दिन रोडवेज की सिटी बस सेवा में बतौर परिचालक यात्रियों के टिकट काटे। शर्मिला का कहना है कि बेरोजगारी के चलते वो लंबे समय से परेशान चल रही थी। जब उसे हड़ताल के चलते रोडवेज नई रिक्तियों के बारे में पता चला तो वो रोडवेज के कार्यालय पहुंची और अधिकारियों से उसे परिचालक के पद के लिए आवेदन किया, जिस पर अधिकारियों ने तुरंत कार्यवाही करते हुए उसका डेमो लिया और योग्य करार पाए जाने पर उसकी परिनियुक्ति परिचालक पद के लिए कर दी गई, जिसके बाद शर्मिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और तुरंत प्रभाव से उसने रोडवेज की कमान संभाल ली। मैं बेरोजगार थी और मेरे पति भी बेरोजगार था, दो लड़कियां मेरे पास और नौकरी के तलाश में थी। मुझे पता चला मैं यहाँ आई और मुझे जॉब मिल गई और जॉब को पाके मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ जैसे टिकटें काट रही हूँ, सवारी भी यहाँ पे बहुत खुश है, अच्छा मान सम्मान कर रहे हैं। 8-10 साल हो गए प्रयास करते थे सर, और मैं पैर से हैंडीकैप हूँ 40%, और अब मुझे नौकरी मिली। मैं बहुत खुश हूँ नौकरी को करके, और हरियाणा की पहली लेडीज कंडक्टर हूँ मैं। 3 दिन हो गए मुझे ज्वाइन करे हुए और अब मैं सीख भी रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ समझ में भी आ गया मुझे, टिकटें काट के बहुत अच्छा लग रहा है। हालात सब कुछ करवा देते हैं सर, मेरे पास नौकरी नहीं थी और हालात ज़्यादा ख़राब थे, कुछ भी करवा सकते हैं।